हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला मुख्यालय पर पंचायत सहायक पिछले 12 दिन से अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर धरना देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं ANM और LHV भी करीब हफ्ते भर से वसुंधरा सरकार से 9 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दोपहर बाद जो ही आचार संहिता लागू हुई तो पंचायत सहायकों सहित ANM और LHV ने धरना समाप्त कर वापस काम पर लौटने की घोषणा की। इससे पूर्व पंचायत सहायकों ANM और LHV की महिलाओं ने संयुक्त यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में आहुतियां देते हुए दोनों संगठनों के कार्मिकों ने राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से कामना की। पंचायत सहायक जिला अध्यक्ष हुक्मा राम जाखड़ ने बताया कि करीब 12 दिन पंचायत सहायक हड़ताल पर रहे, वहीं आज कार्मिक अनशन का तीसरा दिन था। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के कारण क्रमिक अनशन पर बैठे साथियों को जूस पिलाकर धरना स्थगित किया गया। उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। इसी तरह ANM जिला अध्यक्ष सूर्यगान पवार ने बताया कि 10 दिन के ANM और LHV की महिलाएं हड़ताल पर हैं, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते प्रदेश आह्वान पर शनिवार को हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है। सभी ANM और LHV ने काम पर लौटने का निर्णय ले लिया है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।